Just married? Yes. Congratulations. Thank you. काफी एक्साइटिंग बकेट लिस्ट है तुम्हारी. अभी तो बस शुरू हुई है. और क्या क्या प्लान्स हैं? एक नई गाड़ी फॉर श्योर. अ नाइस सेडान. हाँ, एसयूवी. और फिर नया घर. सी फेसिंग. बड़ा ही प्यारा फेस होता है ना ये लाइफ का. और राजीव भी ऐसे ही खूब प्लानिंग करते थे. आपके साथ नहीं आए राजीव जी, आपके हस्बैंड? माई लेट हस्बैंड. ओह, आई एम सो सॉरी. नो इट्स ओके. काफी समय हो गया. ऐसा कह सकते हैं कि ही इज ऑन हिज ओन ट्रिप ना. ऐसी ट्रिप जो मुझे बहुत भारी पड़ गई. मैं कुछ समझा नहीं. राजीव के चाचा जी हमेशा कहते थे इंश्योरेंस ले लो. सोचा पहले सपने पूरे कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इंश्योरेंस इंश्योरेंस. बाकी प्लान्स तो हम पूरे करते गए और इंश्योरेंस डिले. और एक दिन अचानक राजीव का एक्सीडेंट हो गया. ऐसा लगा जैसे जैसे जिंदगी पटरी पर से उतर गई. I can't even imagine. बहुत मुश्किल हुआ होगा ना? मुश्किल तो था ही, लेकिन मुझे मेरे साथ मिशी का भी ख्याल रखना था. ऐसे तैसे करके मैंने मल्टीपल जॉब्स किए और जो गलती हमने की थी वो फिर से ना हो, इसलिए सबसे पहले मिशी का फ्यूचर सिक्योर कर लिया. गौरी, लाइफ इंश्योरेंस शुड गो ऑन टॉप ऑफ अ बकेट लिस्ट. सफर ये ख्वाबों का है तेरा मेरा, किस्मत का ना हो कोई इस पे पहर.